हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अभी 6 तारीख की मॉर्निंग से, और आज हम जा रहे हैं गांव जा रहे हैं हम लोग होली मनाने के लिए, क्योंकि इस बार हमने प्लान बनाया है कि हम लोग होली इस बार जोशीमठ में नहीं अपने गांव में मनाएंगे। और मैंने ना आज तक अपने गांव में होली नहीं मनाई। मे भी मनाई हो सकती है जब मैं 1-2 साल की थी होंगी, छोटी थी होंगी तो मुझे याद नहीं है, पर उसके बाद से मैंने मम्मी लोग के साथ बाहर ही या फिर अपने हॉस्टल में ही श्रीनगर में ही वहीं मनाई है होली वगैरह। तो अब मैं इस बार हम लोग होली सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं अपने गाँव, तो चलते हैं अपने गाँव और आप लोग को भी दिखाते हैं कि हमारे गाँव में कैसे होली मनाते हैं। तो अभी पापा गए हैं शॉप पर, तो उसके बाद पापा भी हमें लेने आएंगे, तो हम सब जाएंगे अपने गाँव। अभी मम्मी लोग फिलहाल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं आप लोगों से अपना बैग वैग पैक करके मिलती हूँ। बाय बाय। तो मिल्ली कर रही है यहाँ पे नाश्ता गांव जाने से पहले। मिल्ली कहाँ जा रही है? बोल हाय। मिल्ली क्या कर रही? रोटी खा रही हूँ। अच्छा, गांव जा रही है होली मनाने के लिए? हाँ बोल। तो मिल्ली की भी फर्स्ट होली होने वाले गाँव में और मेरी भी। मैंने मनाई मम्मी कभी गाँव में होली? नहीं, मौका ही नहीं मिला हमको कभी। अच्छा, 1-2 साल में तो मनाई होगी ना, जब मैं 1-2 साल की थी उस टाइम? तो छोटे थे, तुमको याददाश्त भी है तुम्हारी? अच्छा, तो मिल्ली और मेरी फर्स्ट होली होने वाली गांव में। मिल्ली तो यहाँ पे मैंने अपना चश्मा लगाया, तो लगा दो। मिल्ली ने भी चश्मा लगा दिया एक्टिंग से। वो कर दो हाय। ये चश्मा मेरे दादू लाए हैं, बता दो दादू। निकल लगे और निशा कल आएगी, तो निशा भी यही है। ये मेरी प्यारी सी पतली बहन जो कि दिन ब दिन माइनस होती जा रही है। बाय। यहाँ पे हम गांव जाने के लिए पहुंच चुके हैं रोड पे। ये रही हमारी गाड़ी, और अभी गाड़ी में सामान डाल रहे हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं ढाक में, और ऐसे बैठे हैं एडजस्ट करके कट्टे के इधर उधर। और ये मम्मी और मिल्ली। तो पापा भी सब्जी ले रहे हैं यहाँ पे, सब्जी वगैरह ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग गांव पहुंच चुके हैं अपने, और अभी हम थोड़ा सामान निकालते हैं बैग अपने डिक्की से। तो फ्रेंड्स, ये पहुंच चुके हैं हम लोग अपने नीचे गांव, और मेरे नीचे गांव का घर है वहाँ पे, और गाड़ी से निकाल रहे हैं सामान। मिली पहुंच गई गाँव। अच्छा, मिली कुछ बोल रही है, और हम इतना सारा सामान लेके आए गाँव, और मिली टोपी पहन रही है क्योंकि मिली को ठंडा हो चुका है। हम लोग के पास बहुत सारा सामान हो चुका है। भाभी आधा ले जा रही हैं, आधा मैं, और आधा मम्मी भी ला रही है, पापा भी खा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अपने नीचे वाले घर में, और ये हमारा नीचे गांव है, नदी और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये मेरे पड़ोसियों का घर है, और मिल्ली और दादी आ रहे हैं। दूर से हाई हाई कर रही है मिल्ली मुझे, और भाभी तो मुझे कहीं दिख नहीं रही। और ये गांव के पुराने पुराने घर, ये आजकल ही पप्पी लोगों का मकान बना है। तो मम्मी लोगों ने आजकल नीचे गांव में यहाँ फर्श बिछा दिया है, ये चौन वाला, और ये है हमारा नीचे गांव का घर। ये आजकल ही मम्मी लोगों ने यहाँ पे ना, पहले खेत था, आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा होगा, यहाँ पे खेत था, मम्मी लोगों ने यहाँ पे अब ये चौन वाले फर्श होते ना ये बना दिया है। और ये हमारे नीचे गांव का घर, यहाँ अभी हम फिलहाल रहते नहीं है, तो आजकल यहाँ ना फूल वगैरह आने लग गए हैं पेड़ों पे, क्योंकि अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है। और मिल्ली आ रही है दादी की शान। मिल्ली कहाँ आई है? तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं नीचे गांव के घर में, तो अभी ना हम लोग जा रहे हैं किसी काम से ऊपर वाले गाँव, वहां से थोड़ा सामान लाना है, फिर आप लोगों को मिलते। तो मम्मी लोगों ने यहाँ पे ना सीढ़ी सब लगा दी है, जो कि पिछले टाइम तक नहीं था, और शायद अब ये वाला मकान हम रेनोवेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऊपर गांव पहुंच चुके हैं, और ये मेरे पीछे ये है हमारा ऊपर गांव, और पापा लोग सामान डाल रहे हैं कुछ, अभी उसको साथ के ले जाना हम लोग ऊपर गांव। अभी पूरी रोड पहुंची नहीं है, तो हम लोग यहीं जाएंगे। हाँ हाँ पापा। तो यहाँ पे मेरे लिए भारा लग रहा है। हाँ पापा, तो चलो हो गया पापा, चलो। नहीं नहीं, उस पे डाल, उस पे रुक जा। बन गया, बन रहा है। तो ये मेरा भारा लग चुका है यहाँ पे, मैं भाभी का भी भारा लग चुका है। फ्रेंड्स, हम लोग का जो ऊपर वाला गांव है ना, वो नदी से मतलब है, मतलब नदी मीन्स जो मेन रोड है हमारा नीचे वाला गांव, उससे
2-3 किलोमीटर तो ऊपर है ही, और इतनी आफत आ गई मुझे। मेरे पास एक छोटा सा कट्टा था, इसमें थोड़ा सा सामान था घर के लिए जो हमें ऊपर वाले गांव में रखना है, क्योंकि अभी हमारे वहाँ अप्रैल में क्या होता है ना कि बिखोदी का मेला होता है, तो उसमें गेस्ट वगैरह आते काफ़ी, तो सामान पहुँचाना पड़ता है यहाँ भी। भले जोशीमठ में भी रहते हैं पर यहाँ भी पहुँचाना ही पड़ता है। और अभी मेरी बहुत हालत डाउन हो चुकी है, पापा और भाभी तो आगे चले गए हैं और मैं यहाँ रास्ते में वेट कर रही हूँ। मम्मी और मिली नीचे ही गांव में रह गए हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ सामान छोड़ के हम फिर से नीचे गांव की तरफ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को मेरे गांव की लोकेशन दिखाती हूँ। ये है मेरे गाँव की लोकेशन, ये पीछे पहाड़ और ये। तो अभी तो मेरी ना बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो चुकी है, अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और ये ना ये जो पहाड़ था ये मतलब अलग ही हो चुका है, कुछ तिरछा हो गया था मुझसे, तो मैंने निकाल दिया। मैं इसे ट्राई करती हूँ लगाने का, जैसे तैसे अब यहाँ से मतलब लगा लो 5 ही मिनट का रास्ता है मेरे घर के लिए, तो मैं अभी इसे लगाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मुझे ना समझ नहीं आ रहा इस रस्सी को मैं कैसे एडजस्ट करूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब मुझे इन सबको बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा मिल गए, इसे बैग की तरह बनाना पड़ेगा। मेरी रस्सियाँ ना पीछे को खो चुकी हैं, इसे मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मुझे ना इसकी रस्सी मिल चुकी है और मैंने लगा भी दिया है, तो मैं चलती हूँ इसे लेके। बहुत ज़्यादा आफत आ गई है, अब यही पास में ही है, तो आप यहाँ पे मैंने लगा दिया। बाहर थोड़ा तिरछा हो गया शायद, इस तरफ से दिख नहीं रहा, पर इस तरफ से आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब मैं आप लोगों से सीधा मिलती हूँ ऊपर गाँव में पहुँच के, और फिर इसके बाद हम डायरेक्ट नीचे गाँव जाएंगे, तो वहीं मिल। तो आजकल ना हमारे ऊपर वाले गाँव में कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पुराने ब्लॉगों में बताया होगा कि विंटर्स में हम लोग सब नीचे गाँव शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो सब आजकल नीचे के ही गाँव में रहते हैं। तो अब अप्रैल के महीने, मार्च अप्रैल के महीने होली के बाद सब लोग मतलब ऊपर गांव आते हैं, तो फिर अभी तो पूरा गांव खाली है ऊपर वाला, तो आप लोगों को यहाँ कोई इंसान भी नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ मैं ही भटक रही हूँ यहाँ पे रस्तों में। ये भी वो बैग रखने के लिए, और भाभी लोग चले गए आगे। तो हम लोग ऊपर गाँव पहुँच चुके हैं, और ये है हमारे ऊपर गाँव का घर। तो हम अपने ऊपर गाँव से सामान लेने आए थे, मिली के टॉयज टूज भी थे, और रस्सी, चाबी और झाड़ू वगैरह। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं नीचे गांव में, और ये सामान लेके जा रहे हैं नीचे गांव, और निंदू कल्लू आ रहे हैं होली का कलर लगाने, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हैप्पी होली। तो परी लोग होली लगाने जा रहे हैं सब पे। हैप्पी होली कलो, तो कल्लू भी लगा रही है यहाँ पे अपनी। हैप्पी होली। तो ये गांव में ऐसे सेलिब्रेट करते हैं होली, छोटे छोटे बच्चे सब लोग नीचे गांव के लिए सामान लेके आए थे, अभी अनपैक कर रहे हैं सामान। आज हमने नीचे वाले घर में ना, हम काफी टाइम बाद आए तो हमने पूरी साफ सफाई करी है, ये और भाभी ने सारे बर्तन साफ कर दिए यहाँ पे, और हमने बहुत सारे कपड़े जितने थे हमारे सब छत में डाले हैं, ये सारे कपड़े छत पे डाले हैं। और आज तो मम्मी ने बहुत ज्यादा काम कर दिया यहाँ पे। और हम लोग ये रेडीमेड गद्दे लेके आए थे यहाँ रहने के लिए, 10-12 गद्दे लेके आए थे, क्योंकि अब हम लोग शायद जोशीमठ टूटेगा तो गांव ही शिफ्ट होंगे फिर। अरे तो बच्चों की शादी है इधर। अच्छा, पड़ोसी भादु की शादी है यहाँ पे, तो इसलिए कर रखा है। भादु की और हमारा पोता की शादी है, हाँ इसलिए हम लोगों ने, मैंने कहा जरा बहुत इंतजाम करते हैं। हाँ तो ये सब भादी है, भादो का मकान है, और ये भादो की शादी का इंतजाम चल रहा है सब यहाँ जो डेक। तो आज हमको ना गांव में सफाई करते करते बहुत सारी चीजें मिली है। मम्मी बता दो क्या क्या चीज मिली। ये दन बुनने वाला हत्ता है। क्या है? हत्ता। अच्छा ये हत्ता है, इसे दन बुन को ठोकते हैं। हाँ। और ये पत्थर तोड़ने वाला सुम्बा है। अच्छा ये दन काटने वाला कैंची है, ये पुराने जमाने की कैंची है ना, मंगराज बोलते हैं लोग, मंगराज कैंची। अच्छा इसको बोलते हैं टोकचू, टोकचू खेत कमाने वाले खोदने के डीप लगाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो ये तो सामान है। और ये पुराने जैसे क्या है? ये तवा है। अच्छा ये पुराने जमाने का तवा है, है। ये चरखा के काकू है। क्या करते हैं इससे? ऊन काटते हैं। अच्छा इससे ऊन काटते हैं, इससे मतलब ऊन से काटते हैं चरखे पे, तो इस भरता है रिल जैसा। अच्छा, और ये गांव में पुराने जमाने में होते थे क्या है मम्मी? ये संदूक है, ये संदूक है, इसके अंदर सामान सब सेव करके रखते थे, और ये स्पेशल लॉक भी है, इसे लॉक लगाते हैं, यहाँ पे बंद कर देते हैं।
पहले जमाना था मोटर अंकरों नहीं होते थे तो लोग होते बक्से, पहले जमाने में बक्से नहीं होते थे तो ये किस लकड़ी का मैम? बांस की लकड़ी, ये देवदार की लकड़ी, ये देवदार की लकड़ी से बना रखा और बहुत ज्यादा मजबूत है। मिली तू भी देख, ठीक है ठीक है। और एक ऐसा ही बड़ा संदूक हमारे इस वाले रूम में भी है, ये इस पे लॉक भी लगा सकते हैं हम लोग। और ये देवदार की लकड़ी का बना रहता है और इसमें मतलब राशन रूशन ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। हम लोग गांव काफी टाइम बाद आ रहे हैं तो आज यहाँ देख रहे क्या क्या है इसमें। मम्मी ने, मम्मी ये क्या है, जौ की गेहूं? तो ये मम्मी ने आज जौ रखा हुआ है। तो आज हम घर आए तो हम यहाँ पूरा सफाई कर रहे हैं नीचे। गाँव काफी टाइम बाद आए हम लोग। मिली कितने टाइम बाद आई नीचे गाँव? बोल, ये भी काम करने पे लगी हुई है, ये भी काम करने पे लगी हुई, ये भी काम। यहाँ घर छूटा हुआ था तो ऐसे ही सारे बेड पे ऐसे लगे हुए हैं ये। और ये फर्स्ट टाइम आ रही है नीचे गाँव जब से पैदा हुई है, जब से पैदा हुई है फर्स्ट टाइम आई है ना। तो हमने आना रूम का एडजस्टमेंट कर दिया है, यहाँ पे भी हमने गद्दे गुद्दे बिछा दिए हैं इस वाले बेड में, और इधर भी, और इधर भी बिछा दिए थे पर ये दो गद्दे एक्स्ट्रा हो गए थे तो ये रहने दे। और अभी सामान सामान सारा रख दिया है और हम दूसरा रूम है, दूसरा रूम वो कर रहे हैं, बाहर बहुत गंदा हो रखा है और हम दूसरा रूम यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने किचन कुचन का सामान रखा है और मिल्ली भी हेल्प कर रही है पूरी पूरी। ये मेरी दादी है गाँव दादी। फ्रेंड्स अभी अभी पप्पी आ चुका है यहाँ पे। हाय बॉबी। हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं अपने गांव लाता में, अभी छत पे बैठ गए हैं बढ़िया सा। सब गाइस हैप्पी होली, ठीक मेरी तरफ से हैप्पी होली। फ्रेंड्स अभी ना इवनिंग के टाइम पे हम लोग यहाँ छत पे बैठे हुए हैं और मैं आज का ब्लॉग यही एंड कर देती हूँ क्योंकि आज का ब्लॉग काफी लंबा हो गया होगा और यहाँ ना काफी ठंड हो रही है तो मैंने मम्मी का जैकेट फिर से पहन लिया है। तो अब आप लोगों को मिलते हैं कल होली वाले ब्लॉग में। आई होप आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।